जी, अगर आपके पास एक रेशियो है 2:3, तो उसका जो डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट का मतलब है जस्ट स्क्वायर कर देना, डुप्लीकेट हो जाएगा 4:9। इसका सब डुप्लीकेट होता है स्क्वायर रूट लेना, तो वो जाएगा अंडर रूट 2:3। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट होता है क्यूब कर देना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट ले लेना। तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 2 एंड क्यूब रूट 3। ये सब हमने फाइंड किया है 2:3 के लिए, 4:2:3। नोट करिए इसे जरा। इसमें बहुत जल्दी हाँ भाई, नोट कर लिया। अब आप वीडियो स्टॉप पे देखो, वीडियो स्टॉप करो। जी, नोट कर लिया। यस सर। देखिए, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास दो रेशो एक साथ दिए हुए हैं, एक आपको रेशो दे दिया ए अपॉन बी, जैसे इसमें दिया हुआ है ए अपॉन सी, और एक रेशो आपको दे दिया बी अपॉन डी, तो इन दोनों का कंपाउंड रेशो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी। मतलब आपके पास था 2:3, और दूसरा आपके पास था 5:4। आपसे कहा जाए इनका कंपाउंड रेशो बताओ, तो इन दोनों का जो कंपाउंड रेशो होगा वो आप क्या करिए, 2/3 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/6। तो कंपाउंड रेशो आ जाएगा 5:6। तो कंपाउंड रेशो का मतलब है आप उनको मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही हमारे पास होता है इनवर्स रेशो। तो इनवर्स रेशो जस्ट रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल। अगर आपके पास a:b है तो a:b का इनवर्स रेशो 1:a:1:b होता है, या उल्टा भी कर सकते हो, 1:a:1:b का मतलब सीधा सीधा सा b:a, b:a। तो अगर आपके पास रेशो 2:3 था तो उसका इनवर्स रेशो 3:2 हो जाएगा बस। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं रेशो प्रोपोर्शन में।
नोट कर लिया। जी सर। जी सर कर लिया। देखो सर अब हमारे पास होता क्या है, अभी तक हम बात कर रहे थे दो नंबर्स की। अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा नंबर्स हों बट उनका रेशो सेम हो, आपके पास एक रेशो है 2:4 और एक रेशो है 3:6, तो अगर आप चेक करोगे ये दोनों रेशो सेम है, 2:4 भी 1:2 है और 3:2 भी 1:2 है, तो इन दोनों रेशो को हम सेम रेशो कहते हैं, बोथ आर सेम, और सेम रेशो को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। मतलब अगर A:B आर इन प्रोपोर्शन C:D, तो ये हमारे पास होता है कि अगर ए बी का रेशो और सी डी का रेशो सेम है तो ये डबल कॉलन हमारे पास आता है, तो ये साइन होता है प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले तो इसमें यही देख लीजिए कि ये जो हमारे पास होते हैं इनको हम ए और डी को एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस कहते हैं बाहर वाले, और बी सी को इंटरनल, तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और इसको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। तो एक तो कभी कभी इसी पे क्वेश्चन दे देता है आपसे, क्या कह सकता है कि आपसे कह सकता है 3, 4 and 6 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, और आपसे कोई सा भी एक प्रोपोर्शन निकलवा सकता है। क्या कह सकता है आपसे, आपसे कह देगा फाइन फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो अगर आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकलवा रहा है तो इसका मतलब जो मिसिंग है वो फर्स्ट वाला ही मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे x/3 = 4/6, तो पहले वाला मिसिंग हो गया, तो आपके पास जो रेशियो आएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो मिसिंग है उसी को लिख दो x/3 = 4:6, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 से ये गया 2, तो ये हो जाएगा x = 2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि नहीं फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तो इस बार आपका मिसिंग हो जाता थर्ड वाला, तो अगर थर्ड वाला हो जाता तो फिर आपका सीक्वेंस बनता 3:4 = x/6, फिर ये प्रोपोर्शन बन जाता, फिर ये वाला प्रोपोर्शन हो जाता। तो अब आप क्या लिखते हैं, अब आप लिखते हैं 3/4 = x/6, तो जो भी आपका आंसर आता तो यहां से आपके पास 18/4 समथिंग आ जाता, 9/2 या 4.5, तो जो भी आपका मिसिंग होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसी प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है, समटाइम नंबर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आपसे कह दे कि सर 2:4 इज सेम एज 4:8, तो इस तरह के टर्म्स में क्या होता है कि हमारी एक टर्म जो है वो रिपीट होती है, स्पेशली बीच वाली टर्म, तो अगर हमारी टर्म रिपीट होती है तो इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब A:B इज सेम एज B:C, तो B यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है,
तो इसे कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फिर यहाँ पे भी जो टर्म्स हैं वो ये कहलाएंगे, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये हमारा पास कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। बीच वाले जो प्रोपोर्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो टर्म आ रहा है प्रोपोर्शन, लेकिन जो वर्ड है वो प्रोपोर्शन है, लेकिन हमारे पास टर्म जो होंगी वो थ्री होंगी। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर आपसे कह दे कि भाई हमारे पास कह रहा है कि थ्री एंड फोर आर इन प्रोपोर्शन, थ्री एंड फोर आर इन प्रोपोर्शन। अब आपके पास टर्म्स दो गिवन है और कह रहा है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है चार टर्म्स के लिए, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। आपसे क्या कह दे, आपसे कह दे फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो अगेन मैंने आपसे क्या कहा, आप फर्स्ट को ही मिसिंग करोगे, तो x इज टू थ्री, फर्स्ट वाला मिसिंग हो गया, इज इक्वल्स टू थ्री इज टू फोर। अब यहाँ थ्री जो है वो मिडिल टर्म बन जाएगा, तो जो भी आपका आंसर आ जाए आप आंसर लिख लेंगे, x अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू थ्री बाई फोर। लेकिन अगर आपसे यहाँ कह देता कि नहीं फाइंड मीन प्रोपोर्शन, तो अगर फाइंड मीन प्रोपोर्शन आ जाए तो इसका मतलब अब मिडिल वाला मिसिंग है, तो थ्री is to x is equals to x is to 4, तो आपके पास आ जाएगा x square is equals to 12। आपसे अगर कहता find third proportion, ये कुछ terms हैं बस ये समझ लिए, फिर questions करते हैं। तो find third proportion, तो इसी question में हमारे पास क्या हो गया, 3 भाई, अब ये इस तरह से हो गया 3 4 और x, तो अब third वाला missing है, तो 4 हमारा mid हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखोगे, 3 is to 4 is equals to 4 is to x, तो अब आपके पास क्या आएगा 3 by 4 is equals to 4 by x, तो आपका x निकल जाएगा। तो ये हमारे पास होता है proportion, proportion and continuous proportion। लेकिन इस proportion पे अब कुछ terms आते हैं, वो terms देख लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes sir। ठीक है बेटे, देखो अब जो कुछ टर्म्स हैं प्रोपोर्शन पे वो समझिए, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे। ऊपर स्क्रॉल कर दिए, नोट कर जी, नोट मत करो, नोट मत करो, ये मैं पूरा भेज देता हूँ आजकल तो व्हाट्सएप पे, तो आप लोग मम्मी वाले फोन से करें, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, डिस्टर्ब मत करिए। देखिए हमारे पास ये रेशोज हैं, मैं इसको आपको मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है, अगर आप बात कर रहे हो प्रोपोर्शन की, अगर आप प्रोपोर्शन की बात कर रहे हो, ये भाई a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, तो ये थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, तो फिर इनका जो उल्टा होता है वो भी सेम होगा, उसे कहते हैं इनवर्टेंडो। तो इससे क्या होगा, b अपॉन a इज इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन c। क्या मतलब है कि भाई जो रेशो 2 अपॉन 3 2 इज टू 3 का है वो ही रेशो 4 इज टू 6 का है, दोनों रेशो सेम है 2 इज टू 3 और 4 इज टू 6। अब अगर इनको उल्टा कर दोगे, यानी कि जो रेशो 3 इज टू 2 का होगा वो ही रेशो 6 इज टू 4 का होगा, इसे कहते हैं इनवर्टेंडो। दूसरी बात यह है,
कि अगर हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी है तो आप क्या करिए, b को इधर ले जाइए और c को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा a अपॉन c एंड b अपॉन d, तो ये रेशो भी सेम आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है कि भाई 2/4 और 3/6, तो ये रेशो भी सेम आ जाएगा। तो इसे कहते हैं अल्टरनेंडो, अल्टरनेट कर दे, इन्वर्ट करा, उल्टा कर दिया, अल्टरनेट करा मतलब उसकी जगह किसी दूसरे को अल्टरनेट लिया है, तो ये हो गया अल्टरनेंडो। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो हम ऊपर वाले टर्म्स को प्लस कर सकते हैं, a प्लस b अपॉन b एंड c प्लस d अपॉन d, तब भी दोनों तरफ का रेशो सेम रहेगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है आप सब बच्चों को कि ये जो मैं ले रहा हूँ a अपॉन b और c अपॉन d, और ये जो मैं ले रहा हूँ a प्लस b अपॉन b और c प्लस d अपॉन d, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना है। कभी आप कहो कि सर जो लेफ्ट साइड वाला रेशो चल रहा था वही राइट साइड, नहीं, एक्चुअली बस इतना है कि a अपॉन b इक्वल होगा c अपॉन d के और a प्लस b अपॉन b इक्वल होगा c प्लस d अपॉन d के। समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास ये था 2/3 और ये था मेरे पास 4/6, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। अब आपने क्या किया, आपने प्लस कर दिया, प्लस कैसे कर दिया, 2/3, तो 2/3 हो जाएगा 5/3 और आपने 4/6 कर दिया यानी कि 10/6, तो दोनों का रेशो सेम आएगा, बस ये देखना है। तो इसे कहते हैं कंपोनेंडो। जैसे आपने यहाँ प्लस किया है अगर ऐसे ही आप माइनस कर दो ऊपर a माइनस b अपॉन b और c माइनस d अपॉन d, अगर आप माइनस कर दो तो भी रेशो सेम रहेगा, इसको कहते हैं डिविडेंडो। और कभी कभी दोनों दे देता है, मतलब अगर a अपॉन b c अपॉन d के इक्वल है, c अपॉन d के इक्वल है, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर प्लस कर दीजिए नीचे माइनस कर दीजिए, ऊपर प्लस कर दीजिए नीचे माइनस कर दीजिए, तो भी सेम रहेगा, a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी क्वेश्चन देखेंगे अगर इस पे कुछ आएंगे तो। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बस लास्ट, यस हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है, देखो इसे जरा, जी ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेशोज गिवन हो तो अगर आप न्यूमरेटर्स को अलग ऐड कर दें, डेनोमिनेटर्स को अलग ऐड कर दें, तो भी रेशो सेम रहता है। ये भी हमारे पास रेशो की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 2/3 और 4/6 और 5/10, नॉट 5/10, ये होना चाहिए, मान लीजिए मैं कह दूं 10/15, अगर ये रेशो सेम है तीनों के तीनों, तो अगर आप इनमें से ऊपर वाले को प्लस कर दें,
तो 2, 4, 6 और 10, 16 और नीचे क्या आएगा 6, 3, 9 और 15, 24 तो ये रेशो भी 2:3 ही आएगा 8, 2 जा 16 8, 3 जा 24 तो ये भी हमारे पास रेशो की प्रॉपर्टी होती है। तो ये टर्म्स हैं रेशो प्रोपोर्शन में जो बीच बीच में आ जाते हैं। चलो सर किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या पूछने के लिए? हाँ भाई किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं है। चलो चलिए छोटे छोटे से क्वेश्चन देखते हैं। आंसर दो सर जल्दी से। इफ फ्रैक्शन बियर द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/7 डज टू 5/9 द फ्रैक्शन इज कोई आंसर देगा? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई। 1/35 क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश प्रॉब्लम करती है भाई। जी सर। जी सर नहीं वो तो आ गया था लेकिन सॉल्व कैसे करना वो नहीं आया। अच्छा चलो देखो बेटे क्या कह रहा है आपसे। इफ फ्रैक्शन बियर्स फ्रैक्शन x by y लिखना चाहो लिख लो x लिखना चाहो x लिख लो। एक्चुअली क्या कह रहा है कि भाई फ्रैक्शन है x upon y ठीक है इसका रेशियो है 1/27 के साथ। कितना रेशियो है? जितना रेशियो 3/7 का 5/9 के साथ है। बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ भाई एक फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/7 डज टू 5/9 आ गई बात समझ में? सबको समझ में आई बात? नहीं आई मतलब x is to y का रेशियो 1/27 के साथ जो है वो ही रेशियो 3/7 का 5/9 के साथ। ये क्वेश्चन था। अब इसे सॉल्व कर सकते हो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ये 1/27 तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा ऊपर 3 × 9 और 7 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 से 27 कैंसिल तो फाइनली आंसर क्या बचा 1:35 यानी कि 1/35 ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखो। देखो ये टर्म भी देख लो कभी अगर इस तरह से आपका बेवकूफ बनाए। सब सो रहे हैं जाग रहे हैं? आवाज एक दो बच्चों की आती है बस क्लास में आए और सो गए। देखो
in a ratio which is equals to 5:8, the antecedent is 40, the consequent is. तो यहाँ बस ये टर्म्स बताने का मतलब था, क्वेश्चन तो कुछ है नहीं. एंटीसीडेंट न्यूमरेटर को कहते हैं, अपर पार्ट को, और कॉन्सिक्वेंट डेनोमिनेटर को कहते हैं. तो आपसे क्या कह रहा है, रेशियो जो है वो 5:8 है और एंटीसीडेंट 40 है, तो डेनोमिनेटर बताओ. ये क्वेश्चन था. तो 5 से ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो 8 जा हो जाएगा 64. तो एक्स इज इक्वल टू 64. तो कभी अगर आपके पास एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पूछने लगे तो ये याद रखिएगा. चलो एक क्वेश्चन और देखो. देखो इस तरह से भी कभी कभी आपसे सॉल्व करा लेता है. What is the value of x? 5x plus 15 is same as 2x plus is to 2x plus 3 is 10:3. इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहे सॉल्व करें, चेक करना चाहे चेक करें, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं. आपके पास क्या है, 5x plus 15 upon 2x plus 3, 2x plus 3 is 10/3. तो आपसे कह रहा है x बताओ. अगर x को 1 रखोगे तो 20/5 आएगा, तो 20/5 से नहीं चलेगा. अगर 2 रखोगे तो 25/5 ठीक है 7 आएगा, तब भी नहीं आएगा. अगर 3 रखोगे तो 30/5 ठीक है 9 आएगा. तो 30/9 क्या होता है, 10/3. तो इससे भी आप कर सकते हो चेकिंग से. और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो 3×5 = 15, 45/20x. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे समझा दें बजान. अल्हम्दुलिल्लाह जी, 15 = 5x, तो x = 3, ये हमारे पास आ गया. चलो जी एक क्वेश्चन और देखो. बताओ सर इसे क्वेश्चन को. टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3x + 5y, 18/29. एक्स अपॉन वाई पूछ रहा है. टू एक्स प्लस 3y अपॉन 3x + 5y इज इक्वल्स टू 18/29. जितनी तेजी से आप सॉल्व कर सकें कर दीजिए. 18 × 2 = 36x, 18 × 3 = 54y, 18 × 3 = 54x एंड 18 × 5 = 90y. तो x को एक साइड, y को एक साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 जी. सर 3/4 = 4, ठीक है माइनस में आ रहा है. तो हमारे पास क्या आएगा, 54x - 36, 54 - 90y, तो ये कितना हो गया -36y, और ये कितना हो गया 18x. तो x/y 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों भाई? सर 3:4 होगा. हम्म,
नहीं 2x plus 3 ओहो 3x plus 5 सर दोनों को 18 दोनों को 18 से कर दिया मल्टीप्लाई 29 से मल्टीप्लाई गलत कर दिया है ना 29 से मल्टीप्लाई होगा अच्छा 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 सही कह रहे हैं आप तो हमें क्या करना था हमें करना था 29 2 जा 58 है ना और 29 3 जा 87 अब सही 54 और 90 यस तो 58 54 4x और 87 90 3y तो आपको चाहिए x अपॉन y तो कितना आएगा 3/4 वेरी गुड चलो जब एक दो क्वेश्चन वो देखो जो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आपसे कह रहे हैं टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 इफ 12 बी एडेड टू ईच दे बिकम्स इन द रेशियो 3:4 The product of two number is two numbers are इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लैंग्वेज को ध्यान में रखना है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 तो आपके पास क्या है दो नंबर दिए हुए हैं a अपॉन b और उनका रेशियो जो है वो 5:8 है तो अगर a अपॉन b का रेशियो 5:8 है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई हमारे पास नंबर्स हो गए 5x और 8x अब आपसे कह रहा है 12 भी एडिड टू ईच तो दोनों में 12 ऐड कर दीजिए तो आपके पास रेशो हो गया 3:4 तो आपसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताइए तो यहां से आप x फाइंड करेंगे क्या आएगा 20x 48 ना आएगा 24x 36 तो 20 - 24 4x 48 36 12 12 is 4x तो x is equals to 3 तो अगर x 3 आ गया तो आपके पास नंबर आ गए 15 और नंबर आ गए 24 तो इनका प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कितना आएगा 15 24 का 300 16 ये आपका ऑप्शन 16 हाँ जी 16. अब आप दोनों बच्चों के लिए अच्छा वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में भी आपको नजर आएगा बताओ जी क्वेश्चन बताओ जरा शमी प्रेजेंट एज टू पवन प्रेजेंट एज इज 7:9 थ्री इयर्स एगो देयर एजेस वर इन द रेशियो 3:4 तो शमी की एज क्या है प्रेजेंट एज हाँ जी बाकी किसी बच्चे का आंसर यस सर डी 21 क्वेश्चन अभी भी वही है शमी की जो प्रेजेंट एज है
ठीक है, वो 7x हो गई, और जो आपकी पवन की है वो 9x हो गई. 7:9 गिवन था, तो उसको 7x 9x आपसे कह रहा 3 साल पहले, तो 3 साल पहले जो आएगी -3, और एज थी 3/4, तो ये इक्वेशन बन गई. तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं, तो 7 4 जा 28, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो 28 - 27 एक्स इज 3. तो अगर एक्स 3 आ गया तो आपके पास ये हो गया शमी 7 3 जा 21, और जो आपके पास है पवन वो 9 3 जा 27. तो जिसकी भी एज आपको निकालनी है आप निकाल सकते. देखिए क्वेश्चन, और समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देखिए. जी सर. खामोश रहने से काम नहीं चलने का, जो बच्चे कर रहे हैं क्लास, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा. अगर आप कर रहे हैं और कहीं पे आप अटक रहे हैं, कुछ पूछना है तो पूछते रहिए, माशाल्लाह क्लास में अगर आप हैं तो उसका फायदा उठाइए. ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा. इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो. सर एक बार और बता दीजिए वाला, पहला वाला क्वेश्चन. अच्छा जी, ये सर इससे पहले वाला देखो जी. देखो इसमें सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इसे स्पीड से, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, अगर एक्चुअली मैं थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करता हूँ ना, कि भाई जल्दी से करना है आपको, तो जल्दी की वजह से आपको क्लियर नहीं हुआ. अदरवाइज क्वेश्चन ये आप अकेले भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा. आपको करना क्या है, जो जो दिया हुआ है उसको लिखना है. आपसे कह रहा है कि शमी की जो एज है और जो पवन की करंट एज है उसका रेशो दिया हुआ है 7:9. ठीक है, तो जब रेशो दिया होता है तो ये तो पता ही है ना आप कैसे उसे सपोज करते हो. हाँ भाई, आप कैसे लिखते हो, शमी इज टू पवन. यस सर. 7:9, तो शमी की जो एज हो गई करंट वो कितनी हो गई, 7x, और जो पवन की हो गई वो कितनी हो गई, 9x. तो yes, पहली sir. तो ये पहली वाली लाइन खत्म हो गई यहाँ तक. yes. ठीक है, ये वाली पहली लाइन. अब आपसे क्या कह रहा है, 3 साल पहले. 3 साल. यस सर. अब 3 साल पहले को हाँ भाई, मैंने आपसे कहा था जब एगो की बात आती है तो उतना टाइम हम क्या कर देते हैं, माइनस. तो 3 साल पहले की बात कर रहा है तो वो 7x - 3 हो जाएगा, और जो पवन है उसकी भी उम्र जो है 3 साल कम हो जाएगी, वो 9x थी तो 9x - 3 हो जाएगा. लेकिन 3 साल पहले जो रेशो थी वो कितनी थी, वो थी 3/4. तो इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई, सॉल्व कर लेंगे ना. यस सर. बस मैंने वही कहा ना, अगर आप इसे स्लो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. गुड, चलो जब ये क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा सा, बहुत आपको एग्जाम के पेपर में मिलेगा. इस तरह के मिक्सचर के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में मिल जाते हैं. इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1. इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1:2, then the amount of water to be further added is. Sixty.
हाँ भाई सबका आ गया आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब इस तरह की बात करता है 60 लीटर होगा सर। ठीक है जी, इन्हें मिक्सचर ऑफ 60 लीटर आपसे क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, ये 60 लीटर आपका मिक्सचर है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर इज 2:1। तो जब आपको टोटल दिया हो, रेशो दिया हो, तो अच्छा है कि आप जल्दी से सॉल्व भी कर लो। तो इसमें मिल्क कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? 60 लीटर में 40 लीटर। वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप, यस, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आप कर सकते हैं कि मिल्क यहाँ पे 2 पार्ट है और टोटल जो है 2+1 3 पार्ट है, तो व्हाट इज अबाउट 60, तो आपके पास आ जाएगा 40 लीटर। तो इसका मतलब 40 लीटर यहाँ पे मिल्क है और 60 में से 40 निकालोगे तो 20 लीटर यहाँ पे पानी है, ठीक है। ये मेरे पास है, इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1:2, देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड। आपके पास जो है, आप जो मिल्क का है, मिल्क है वो 40 लीटर है और जो पानी है वो 20 लीटर है। आपसे कह रहा है पानी कितना मिलाएं कि रेशो जो है 1:2 हो जाए। ये क्वेश्चन था, आपसे कह रहा है कि इसमें जो है कितना पानी और मिला दें। तो सिर्फ पानी को मिलाना है और पानी मिलाने के बाद रेशो 1:2 हो जाएगा। इक्वेशन मैंने लिख दी है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, अगर मुझे रेशो 1:2 करना है, 1:2 का मतलब डबल करना है, तो मिल्क मेरा है 40 लीटर, इसका डबल हो जाएगा 80 लीटर। तो अगर पानी मुझे 80 लीटर करना है तो मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कोई बता सकता है बगैर सॉल्व करें? 60 लीटर। यस, बिल्कुल शाबाश। 20 लीटर हमारे पास पहले से ही है, 80 हमें करना है तो हमें 60 लीटर ऐड करना। सर क्लियर है ये चीज? हमारे पास 60 लीटर था मिल्क का मिक्सचर, जिसमें मिल्क भी है वाटर भी है, उसमें मिल्क था 2:1, तो आप कुछ भी एक निकाल सकते हो, मिल्क निकाल लो वाटर निकाल लो, तो मिल्क आ गया 40, वाटर आ गया 20, लेकिन अब रेशो डबल करना है 1:2, पानी को डबल करना है, वाटर को कम कर, मिल्क को 1 करना है, तो 40 का डबल 80, तो 20 पहले से 60 आ जाएगा। इक्वेशन में बना चुका हूँ। देखो एक क्वेश्चन और देखो, क्लास तो नहीं अभी, हाँ भाई क्लास है क्या अभी? नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन और देख, ये भी आपको खूब मिलेगा एग्जाम में। ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशो है। अच्छा दूसरी बात ये, अगर ये डायरेक्ट भी ना आए तो इन पे बेस क्वेश्चन आ जाएंगे, इनके ऊपर मेंसुरेशन होगा उसमें भी ये रेशो यूज हो रहा है, एज होगा उसमें भी रेशो यूज हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, ₹1980 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट हाफ ऑफ ए पार्ट, 1/3 ऑफ बी पार्ट एंड 1/6 ऑफ सी पार्ट आर इक्वल, देन बी पार्ट इज। सर ऑप्शन नंबर ए होगा सर। नहीं होंगी बेटे, नहीं नहीं नहीं, कहीं उससे ज्यादा कर रहे थे कुछ ना, उल्टा सीधा। हाँ भाई आपसे कह रहा है कि ए बी सी सो दैट हाफ ऑफ ए पार्ट, अगेन जो क्वेश्चन में सर ऑप्शन नंबर डी 540। ठीक है सर, इधर देख लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर उसी की बात करें। आपसे कह रहा है हाफ ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी एंड 1/6 ऑफ सी, आर इक्वल, ये दिया हुआ है।
तो आपसे कह रहा है a by 2 is same as b by 3 is same as c by 6. तो then b part is, तो अगर रेशो हमारे पास रेसिप्रोकल में है, ठीक है, तो वो रेशो इनटू में हो जाती है, और अगर इनटू में है तो वो रेशो रेसिप्रोकल में हो जाती है. ध्यान रखना, दोनों चीजों को समझ लीजिए मैंने क्या बोला है. अगर आपसे कह रहा था, हाँ जी, अगर आपसे कह रहा था a by 2 is equals to b by 3 is equals to c by 6, तो यहाँ पे जब इक्वल लिया होता है ना, तो इसको हम बेटे इक्वल मान लेते हैं किसी के. मान लो मैंने मान लिया x, ये अपॉन में है रेशो, तो अगर ये अपॉन में रेशो है तो यही आंसर है. मतलब रेशो जो होगा वो 2:3:6 हो जाएगा सीधा. मैं आपसे बता दूं, रेसिप्रोकल में दिया हुआ था तो रेशो इनटू में होता है. तो a is to b is to c यहाँ पे 2:3:6 है बगैर कुछ करे. अब आप कहोगे सर ये आया कहाँ से? एक्चुअली जब ये इक्वल दिए हुए हैं तो इसको हम x मान सकते हैं. क्या मान सकते हैं? x. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 2x, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6x. तो इसका मतलब a is to b is to c is equals to 2x, 3x, 6x. तो x से x कट जाएगा. तो अगर x से x कट जाएगा तो 2:3:6 आ जाएगा. हाँ भाई, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आप, yes, sir. तो आप सीधा याद रखो, अगर रेशियो फ्रैक्शन में है तो वो सीधा सीधा उतने ही मल्टीपल में है. तो 1/2, 1/3, 1/6 था, तो उसको 2:3:6 कर लीजिए. अब अगर आपने ये कर लिया तो यहाँ पे आपसे कह रहा था देन बी पार्ट. तो बी का पार्ट जो है, बी का पार्ट 3 है, और टोटल कितना हो गया भाई? 2+3, 5+6, 11 है ना भाई? 11. तो डायरेक्ट लिख, तो डायरेक्ट लिख सकते थे एक सेकंड में. तो सी हो जाएगा 3/11 इंटू 1980. ये सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? बाय 2+3, 5, 5+6, 11. तो इसका मतलब 11 में से बी का पार्ट, सी का पार्ट जो है किसका, बी का बुझा दो, बी का पार्ट 3 है. तो 3/11 × 1980, तो आपके पास क्या आएगा? 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88. तो 180, 18 × 3 = 540. ये बात सबको समझ में आई या दोबारा से बताऊं? इस तरह का क्वेश्चन आ गई सर. ठीक है, लेकिन अब देखो जरा, ये था अपॉन में. कभी कभी आपसे क्या कहेगा, कभी कभी आपसे क्या कहेगा, आपसे क्वेश्चन देता है इस तरह से, आपसे क्वेश्चन देता है कि 2a is equals to 3b is equals to 5c. 2a is equals to 3b is equals to 5c. कभी कभी आपसे इस तरह का देता है. अब जो रेशो आएगा a is to b is to c का, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2, 1/3, 1/5. तो रेशो फ्रैक्शन में आएगा. नजर आ रहा है? Yes, sir. हाँ भाई, 2a is equals to 3b is equals to 5c, अगर ये इनटू में दिया हुआ है. हाँ जी, तो अगर आपको इनटू में दिया हुआ है तो रेशो फ्रैक्शन में होता है. लेकिन अगर रेशो फ्रैक्शन में होता है तो उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे 2, 3, 5, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा जी? इसका एलसीएम 30 आ जाएगा. तो 30 से अगर मल्टी 30 आ जाएगा, तो अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल रेशो आएगा. तो 30/2, 30/3 and 30/5. 30/2 = 15, 30/3 = 10, 30/5 = 6. देखो एक क्वेश्चन और देखो, इम्पोर्टेंट सा.
एक अच्छा सा क्वेश्चन और देख, ये भी आपने खूब ढूंढा होगा, उस पे मिल जाएगा आपको। यस, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ भाई, हटो इसे, बंद करो इसको, बंद कर दो इसे। यस, ए बैग कंटेन्स रुपीज 600 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 3:4:12। द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज, कौन बताएगा जी? ये बहुत आपको पेपर्स में मिलेगा, ढूंढते मिल जाएगा अलग अलग पेपर्स। मैं इसको पासवर्ड लगा दूंगा और कुछ नहीं, बस वही होगा और क्या। रोते रहना सबके साथ और मोहम्मद अरमान को बता दूंगा। 900 होगा सर, इन्हें पासवर्ड बताऊंगा। हाँ सर, हमारे पास क्या है, बैग कंटेन्स रुपीज 600 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी। बहुत अच्छी बात है जी, शाबाश। हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 600 रुपीज है। हटो सर, छोड़ दो, आप हट जाओ, मेरे से छोटे हो आप, हटो। थैंक यू, अगर कुछ कर रहा मैं कह रहा हूँ, एक बार ही कहना होता है, मान लेते हैं। हट जाइए प्लीज, मुझे पढ़ाने। अच्छा, 5 मिनट उधर हो जाइए। हमारे पास क्या है, 600 रुपीज है, और हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 1 रुपीज के हैं और 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक है। आर इन द रेशो 3:4:12। तो आपसे कह रहा है 25 पैसे कॉइन्स बताओ। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास रेशो जो होता है ना, रेशो होना चाहिए जब हमारे पास यूनिट सेम हो। अब यूनिट एक जगह तो 1 रुपया है, एक जगह 50 पैसे, एक जगह 25 पैसे है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ये करना होगा कि वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, या तो इसे रुपीज में करो या इसे पैसे में करो। तो जैसे हमारे पास क्या है, 1 रुपी, तो जैसे 1 रुपीज है, वो उसको रुपीज में कर ले, क्योंकि हमारे पास ऊपर 600 रुपीज दिया हुआ है। अल्लाह, हाँ सर, हमारे पास क्या है, 1 रुपीज है, तो वो तो 1 ही रुपीज ले लेते हैं हम उसे तो। लेकिन जो हमारे पास 50 पैसा है, वो हमारे पास हो जाएगा सर 1/2, और जो 25 पैसा है वो हो जाएगा सर 1/4। अब अगर इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे, तो अगर 1 रुपीज के 3 कॉइन है तो वो 3 रुपए होंगे, लेकिन अगर 1/2 के 4 कॉइन्स हैं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इनटू होके आएगी, और इसकी जो आएगी वो इनटू होके आएगी। तो फाइनल रेशो आपके पास ये हो जाएगी 3:2:3। 3 कॉइन आपके पास 1 रुपए वाले हैं, 2 कॉइन आपके पास 50 पैसे वाले हैं, और 3 कॉइन आपके पास 25 पैसे वाले हैं। तो आपको अपने जिसको कहना चाहिए रेशो को सेम करना है। अब आप आंसर दे सकते हो, अब आपको कुछ नहीं करना।
आपको कौन से निकालने हैं? 25 पैसे वाले। तो 25 पैसे वाले आपके कितने हो गए? 25 पैसे वाले हो गए 3। टोटल कितने हो गए आपके पास? 8। तो आंसर लिख दीजिए बस, 3/8। पैसे कितने थे? 600।